यार यहाँ पे देखो जरा एक दफा सीधर में आपने व्हाट्सएप हालो पे हाल है। ओए होए अच्छा ये मुझे बता दें हम फैसलाबादियों को कि इतने रश की वजह क्या है हम तो के उदा ऐसा नहीं है कि उदा नहीं है जितना मर्जी दस दो। अच्छा ये हैवी किस्म की बोटी आ गई है। हां जी हाय होए गोल गोल बोटी आ गई है। ओवर आ गई ये देख क्या बात है सलीम भट्ट भाई की मोहब्बत है। ये दे जरा थोड़ा सा बोटी को कुशल दे दे। हाय 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 क्या बात है क्या अरे खोए वाला ये मीठा कूड़ा खोए वाला ये देखो। अच्छा जबरदस्त यार अंदर खोया भरा हुआ है। जी ये खोया बीफ और चिकन की चोरी होती है लेदर लेदर। तो सुबह टाइम कचोरियां खाते हैं जी लाहौर में ट्रेंड है कि क्या सीन है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आपका ठीक ठाक है खैरियत से हैं फिट फाट है। तो आप लोग मेरे पीछे चेक कर रहे होंगे दिल्ली गेट इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम आ चुके हैं लाहौर और लाहौरी फूड चैप्टर के सीजन 2 के पार्ट 1 में आपको खुश आमदीद सही है। और इस वीडियो में हमने ट्राई करने हैं कुछ लाहौर के मशहूर नाश्ते जिसमें सबसे पहले नंबर पे है सलीम भट्ट का नाश्ता सही हो गया। सलीम भट्ट के एक चने हैं मटन की मछली वाले चने वो बहुत मशहूर हैं वो ट्राई करने हैं। उसके बाद दूसरा है जफ़र की हलवा पूरी सलीम भट्ट के साथ ही है वो ट्राई करनी है। ये रिकमेंडेशन है मुझे एक अपने दोस्त की तरफ से आई है सही है। और वो दोस्त कौन है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे इसलिए आप सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और बेल आइकन को दबा देना सही है। जफर के हलवा पूरियों के बाद हम आगे देखेंगे कुछ ठंडा ट्राई करेंगे जो हमें नज़र आया तो वो आप लोग भी देख लेंगे। इस वीडियो में मेरे साथ है मेरा छोटा भाई क्या हालत है जबरदस्त। मैं लाहौर आऊँ और दिल्ली गेट से व्लॉग शुरू ना करूँ ये हो ही नहीं सकता दो दफा लाहौर लाहौर दिल्ली गेट है सही है। तो अब हम चलते हैं और जाके आपको सारा सीन चेक करवाते हैं। अच्छा यार हम लाहौर में अपने पहले स्पॉट पे आ चुके हैं सलीम भट्ट के मुर्ग चने सही है। मुझे यहाँ की बड़ी रिकमेंडेशन आई थी और वैसे भी कहते हैं ये मशहूर हैं। जब मैं यहाँ आया और देखा कि इनका सेटअप किस तरह का है तो यार छोटी सी रेड़ी और इर्द गिर्द अन्य वाह किस्म का रश सही है। तो अब इसका मुझे लगता है बहुत टेस्ट होना है इसका। इनके पास मटन चने होते हैं और जो सलीम भट्ट भाई हैं वो हालों बेहाल हुए हैं पसीनों पसीने हुआ वैसे सही है। अब इसकी लोकेशन इस तरह है कि हम उर्दू बाज़ार के शुरू में आए हैं। मैंने यहाँ पे बंदा से पूछा है अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मैं क्वेश्चन कर देना। अभी चलते हैं और जाके इनका आपको सेटअप दिखाते हैं जो रश लगा हुआ है ना वो भी दिखाते हैं जो बंदा हाल बेहाल हुआ है वो भी दिखाते हैं आज। अच्छा यार ये आप लोग देख सकते हैं उर्दू बाज़ार चौक है यहाँ लिखा भी हुआ है सही है। उसके बाद ये सेटअप लगा हुआ है सलीम भट्ट के मटन चने सही है नॉट मुर्ग चने मटन चने। तो यार ये पता नहीं किस चीज़ का इतना रश लगा हुआ है सही है। बस जाकर देखते हैं कि कितना टेस्ट है और ये क्या चीज़ खिला रहे हैं क्योंकि वहाँ ने नहीं भाई हुई है भाई। सलीम भट्ट के सेटअप के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ और सलीम भट्ट साहब से मेरा बात करने का दिल था लेकिन अल्ट्रा वाइड से आपको समझ आएगी क्यों नहीं हो सकी बात ये रीज़न है और इन्होंने हमारी प्लेट लगानी है मटन की मछली वाली लेकिन अब समझ नहीं आ रही लागत आ रही है हमारी प्लेट यार ये प्लेट रेडी हो रही है सिंपल वाली यार ये मटन की बोटियाँ छोटियाँ पड़ी हैं वो कोफ्ते पड़े हुए हैं इसके अंदर चने यहाँ पे तरियाँ छरियाँ पड़ी हैं। सलीम भट्ट भाई एक मटन की मछली वाली जरा प्लेट अच्छी सी फैसलाबाद से आए हैं स्पेशल यार प्लेटों पे प्लेटें लग रही हैं और तकरीबन नज़ाम एंड पे पहुंचा हुआ है। ये अंडे वाली प्लेट गई है और ये सिंपल लगने लगी आई थिंक ये चीज देख ले कुल मुफ्ता। अच्छा ये हैवी किस्म की बोटी आ गई है। हाँ जी गोल गोल बोटी आ गई क्या बात है सलीम भट्ट भाई की मोहब्बत है। ये दे जरा थोड़ा सा बोटी को कुशल दे दे। आए हाय हाय क्या बात है क्या कुशल दिया जा रहा बोटियों को। अरे ये आए चने
वंस अगेन तरी यार, जब हमने आके देखा था ना सेटअप, तो मुझे तकरीबन 90% कंफर्म हो गया था कि आज हमें चने नहीं मिल रहे, सही है। लेकिन जब हम सलीम भट्ट भाई के सामने गए, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार इसको कवर कैसे करें। फिर जब मैं उनके सामने गया हूँ और लिटरली इन्होंने बड़ी क्या कहते हैं उसको, बड़ी मोहब्बत दिखाई है, प्यार मोहब्बत दिखाई है, और बहुत बेहतरीन किस्म की करके हमें एक प्लेट रेडी किया जिसमें लेवल किस्म की मटन की बोटियाँ हैं, सही है। और ये एक प्लेट जो है ना 1500 की है, सही है। और अब बोटियों को मिलाया है, पहले बोटियों को गुसल दिया है तरीका, कोई 8-9 राउंड उसके लगवाए हैं, उसके बाद जो है उसमें चने गए हैं, फिर अगेन तरी आई है, और क्या कमाल किस्म की प्लेट बनी है। दोबारा इसको गौर फरमाएँ जी, ये है भाई। इसमें हमारे पास है मछली वाली बोटी और एक एक्स्ट्रा बोटी भी, सही है, जो कि सलीम भट्ट की मोहब्बतें हैं, सही है, जैसे जिले की मोहब्बतें होती हैं। इंशाल्लाह इस सीरीज में जिला भी कवर करेंगे। हमने करवाई थी भाई मछली की बोटी, जो कि आप लोग देख सकते हो, टेंडरनेस चेक करना इसकी, हाय हाय हाय, ये गई सही है। और ये मैंने थोड़ी सी शॉर्ट के लिए निकाली थी, मैं आपको एक और दफ़ा निकाल कर दिखाता हूँ। ये चेक करना ज़रा, ओए होए 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 हो भाई, ये का चीज़ नहीं थी, ये चेक करो ज़रा, ओए होए 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 भाई, ये खीर चीज़ थी ब्रो। अब इसको खा के देखते हैं और इसके बाद आपको टेस्ट बताते हैं। ये मैं सबसे पहले लूँगा टेंडर किस्म की मटन की मछली वाली बोटी, फुल बाइट बना के, सही है। उसके बाद मैं लगाऊँगा चने, ठीक है, विद हल्की सी तरी, सही हो गया। ये भाई मैंने बाइट बना ली है, 4 के चने आए हैं, खैर ये भाई मेरी बाइट बन गई है, फुल हैवी किस्म की। एक दफ़ा इस बाइट का साइज चेक करो, और इसको बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटरली यार, जो बोटी थी ना वो इतनी सॉफ्ट थी कि च्यू होते ही गई, सही है। उसके बाद आता है चनों का फ्लेवर, सही है, जो कि तरी के फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हांस कर रही है। वैसे चने बहुत अच्छे हैं, सही है। रेटिंग यहाँ पे आ रही होगी, और इस एक प्लेट की प्राइस है 1500 रुपीज़। मछली वाली बोटी के जो टेंडरनेस लेवल है ना, उसकी ही गेम है सारी। यार इनकी जो सिटिंग है ना, जहाँ बैठ के खाते हैं, वो ये है, सही है। एक छोटी सी गली है और थोड़ी सी सजी भी हुई है, इसके साथ ये स्पायर सलीम भट्ट भाई का सेटअप लगा हुआ है, ये सही है। और जब अंदर आते हैं तो ये सारा सेटअप है खाने का, हमने यहाँ बैठ के खाया है। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? अच्छा, कितनी देर से ये लगा रहे हैं सेटअप? सेटअप 23 साल हो गए। 23 साल। अच्छा ये मुझे बता दें हम फैसलाबादियों को कि इतने रश की वजह क्या है? हम तो के होता ऐसा ना सी के होता ना सी जितना मर्जी दस दो आवाम भी दस दे सलीम, बता दे भाई एकदम। हाँ जी, अच्छा एक एक तो सलीम भाई की मोहब्बतें हैं, दूसरा ये चने का टेस्ट, सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें अल्लाह का शुक्र है मिल गए। ये जो है ना, ये इनकी यखनी है ना, यखनी है बेहतरीन। हाँ जी टेस्ट आ गया, मैं मानता हूँ। सलीम भाई ये कितने की प्लेट है और क्या सेटअप होता है, कितनी प्लेटें होती हैं? ये मेन्यू है। अच्छा, एक तो मटन की मछली की बोटी वाली होती है, और एक सादा, और बाकी सारा भाई ये देखो, जब हम आए थे ना तो आखिरी प्लेटें थी हमारी, सही है। और ये अब शोरबा रह गया है, और जो बाकी ऑडियंस है यानी कस्टमर्स हैं, वो सिर्फ शोरबे के साथ खा रहे हैं। क्या सलीम भाई ये क्या सीन है नान का, ये जब एंड पे रह जाते हैं तो आप उनको मसाले के अंदर करके देते हैं ये चीज़? भाई अब जो चने ख़त्म हो गए हैं तो ये नान थोड़े लिबड़े जा रहे हैं, लिबड़े नान बन रहे हैं, नान रोल शुरू हो गए हैं, नान रोल शुरू है। भाई इतने लोग इनसे मोहब्बत करते हैं कि इनके जो मसाले रह जाते हैं उसको भी नहीं छोड़ते, फिर ये मसाला नान बनता है और फिर लोग उसको खाते हैं। तो भाई हमने यहाँ से चने ट्राई कर लिए, नो डाउट बहुत मज़े का है, जो रश है वो वाकई जेन्युइन है, सही है, किसी रीज़न की वजह से रश है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा सलीम भाई, यहाँ पे एक जफर हलवापुरियों वाला, वो कहाँ है? आगे जाके ना भाई उर्दू बाज़ार की सड़कों से निकल के हम सलीम भट्ट भाई के चने ट्राई करके अब जा रहे हैं जफर हलवापुरी पे। और भाई हमें ले गया ना, भाई का नाम क्या है? मोहम्मद इमरान भाई हमें लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे फैसलाबाद के भाई हैं, सही है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इनकी शॉप वगैरह है, तो अभी इनके साथ हम जफर हलवापुरी पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें एड्रेस वगैरह का नहीं पता। तो उसके बाद देखते हैं हमारा इसके
अच्छा इमरान भाई, हमें हलवाबरी मिल जाएगी? ऐसा रश तो नहीं होता उधर? होता रश। अच्छा लेकिन मिल जाएगी इंशाल्लाह। आपको तो पता है ना कि फैसलाबाद में बड़ा कम जगहों पर ऐसा होता है। अच्छा भाई, उर्दू बाज़ार की सड़कों और गलियों से घूम घुमाते हुए हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे स्पॉट ज़फ़र हलवापुरी पे। ये भी हमें एक रिकमेंडेशन आई थी, और जिनकी आई थी वो भी आपको अगली वीडियोस में जाके मिल जाएंगे। जौन से भाई हैं वो भी एक बहुत अच्छे लाहौर के मशहूर फूड ब्लॉगर हैं। सही है, तो अब हम आ चुके हैं ज़फ़र हलवापुरी पे। इनकी यूनिकनेस क्या है मुझे नहीं पता, अभी जाके चेक चुक करते हैं भाई। फैसलाबाद से डायरेक्ट आया हूँ सबसे पहले सलीम बट पे, उसके बाद दूसरे पे आया हूँ मैं ज़फ़र हलवापुरी पे। अभी इनकी हलवापुरियाँ चेक करते हैं। मैंने थोड़ा सा इनका निज़ाम चेक किया और छोटे साइज़ की हलवापुरियाँ लग रही हैं। हमने तो भाई फैसलाबाद में जॉइंट और ह्यूज साइज़ की हलवापुरियाँ खाई हैं। सही है, और इसके बाद ये छोटी किस तरह बनाते हैं, क्या होते हैं ये पता नहीं, आटे के बनाते हैं, क्या चक्कर है, वो जाके पूछते हैं। और इनके पास और दो तीन चीज़ें और भी पड़ी हुई थी, वो जाके पूछते हैं कि भाई सारा सेटअप क्या है। आ जाओ फिर। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या आपका? मोहम्मद आजम। अच्छा आजम भाई, ये क्या होता है आपके पास और क्या सीन है, कितनी देर से दुकान है सबसे पहले ये बताएं? दुकान को तकरीबन 35 साल हो गए। अच्छा 35 साल हो गए हैं। और होती है आटे वाली पूरी, ज्यादा होती है मैदे वाली पूरी। आटे वाली पूरी भी होती है? देसी आटे की, गंदम के आटे की पूरी होती है। अच्छा, और ये हलवा होता है देसी घी में, ये मीठा पूरा खोए वाला। अरे खोए वाला, ये मीठा पूरा खोए वाला, ये देखो। अच्छा जबरदस्त यार, अंदर खोया भरा हुआ है जी? ये खोया है, और ये बीफ और चिकन की कचौरी होती है लेदर लेदर। सुबह टाइम कचौरियाँ खाते हैं जी? लाहौर में ट्रेंड है कि क्या सीन है ये? ये नाश्ते में होती है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त। मतलब यहाँ की यूनिकनेस आटे वाली पूरियाँ कह सकते हैं? जी जी, देसी आटे वाली पूरियाँ। देसी आटे वाली पूरियाँ और ये कचौरियाँ है ना? जी कचौरियाँ। सही सही। हाँ, और ये भी, और ये हलवा, ये वाला, ये वाला। इसको कहते हैं मीठा पूरा खोए वाला। मीठा पूरा खोए वाला। अभी चेक करते हैं कि सारा सीन क्या है। और अच्छा ये बताएं कि इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि मैं फैसलाबाद हूँ, मुझे लोकेशन का नहीं पता। लोकेशन है न्यू नारकली। न्यू नारकली, पांच जाल मोहम्मद रोड। पांच जाल मोहम्मद रोड। जी ये मार रोड से सीधा न्यू नारकली में है। हाँ जी, और पहले जाल मोहम्मद रोड। ठीक हो गया। अच्छा अंकल, एक अच्छी सी पूरी लगा दें, आटे वाली भी लगा दें, दो लगा दें, जितने भी ऑर्डर हैं आप लगा दें। अच्छा भाई, ये आटे वाली पूरियाँ हमारे लगने लगी हैं। सबसे पहले ये नॉर्मल आटा ही होता है ना, जो है ये देसी आटा, देसी जो घरों में हम खाते हैं वही वाला। अच्छा, जैसे रोटी बनती है ये उसी तरह की पूड़ियाँ बन रही हैं, बेहतरीन। और इस वजह से छोटी छोटी होती हैं ये। सही है, ये मैदे वाली। अच्छा ये मैदे वाली है, दो आटे वाली पूरी हैं प्लस ये मैदे वाली है। ये गई हमारी जो हम नॉर्मल पूरियाँ खाते हैं, ये वो वाली है। भाई ये सेटअप था पूरियों का। सही अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारिक। तारिक, तारिक भाई का ये सेटअप है, ये हैंडल करते हैं, और एक और भाई भी हैं साथ। ये हमारा ऑर्डर है, ज़बरदस्त यार, बताना था लगाने से पहले। चलो ले जाओ ना यार, ये हमारा ऑर्डर है। और ये वाले भाई जो हैं यहाँ पे, और ये हैंडल करते हैं। प्लस यहाँ जो पूरियाँ आती हैं ना भाई, सारा सीन उसका। भाई ये हमारा नाश्ता आ चुका है, जिसमें हमारे पास दो आई थिंक आटे की पूरी हैं। सही है, जो छोटी साइज़ की होती हैं, और दो नॉर्मल पूरियाँ जो मैदे वाली होती हैं। इसके साथ हमारे पास है ये हलवा, और साथ चने विद आलू की भुजिया टाइप से सालन है, और साथ अचार प्याज प्लस एक और सालन की प्लेट, और ये सारा नाश्ता है। अभी इसकी प्राइस नहीं पता, पूछ के आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं जो इनकी यूनिक चीज़ है वो ट्राई करूँगा यार। दो यूनिक चीज़ें हैं, एक ये वाली हलवा पूरी, सॉरी जो आटे वाली हलवा पूरी है वो, उसके बाद एक इनका जो था वो मीठा पूरा टाइप था, वो क्या था जिसके अंदर मक्खन फील किया होता है, वो भी इनका स्पेशल है, वो मंगवाते हैं। भाई सबसे पहले मैं आटे वाली हलवा पूरी लूँगा, और देसी आटे वाली, इसको इसका जो आलू की भुजिया है वो साथ ही होती तो मिक्स हो गई है। सही है, इसके बाद मैं हल्का सा ऊपर अचार रखूँगा, हल्का सा अचार रख लिया है। सही है, ये ज़रा दिखाएँ ऑडियंस को, और मैं ऐ दसो कि साढ़े मुँह से पानी आ रहा है। सही है, अगर आ रही है तो फिर असी बाइट खाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जो आटे वाली हलवा पूरी है उसका टेस्ट अच्छा है, लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, जो इनकी चनों के अंदर एक फ्लेवर आ रहा है वो मैं समझ नहीं पा रहा कौन सा है यार। अच्छा टेस्ट है, मैंने पहली दफ़ा ये चीज़ चेक की है, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जो कि टूटती हुई ये सीन करवाती है। यानी कि जितना हल्का सा पराठा नहीं होता क्रिस्पी था, ये
तो उस तरह की चीज़ हो जाती है। इसके बाद मैं इनकी हलवा पूरी चेक करता हूँ, जो हलवा पूरी है बिस्मिल्ला करते हैं जिसको, और ये चेक करते हैं भाई एक्चुअल चीज़ तो ये है जो कि हमने फैसलाबाद से कंपेयर करनी है कि भाई फैसलाबाद और यहाँ का फ़र्क क्या है। लें जी भाई, अब पूरी एक हलवा पूरी के साथ बाइट बन रही है चनों की, बिस्मिल्ला। सही है, हल्का सा चार भी आ जाएगा। ये जी एक छोटी सी और हमने अच्छी सी बाइट बनाई है, हमें पसीनों पसीन हुए हैं। खैर बिस्मिल्ला मानो नहीं। हलवा पूरी गुड, जैसे होती है वैसे ही है। अगर आप इसके साथ हलवा खाते हैं ना, तो ये हलवा इनका बहुत फिट लग रहा है। ऑरेंज कदम और ऑरेंज कलर का हलवा है और हलवा सही फिट है। उसके साथ हम इनका मंगवाते हैं मक्खन वाला पूरा, खोए वाला पूरा, तो उसका टेस्ट करके बताते हैं। अच्छा भाई, आपने वो खोए वाला तो भेजा ही नहीं। ये भाई आ चुका है हमारा खोए वाला मीठा पूरा। सही है, जो कि एक यूनिक चीज़ है। इसको सबसे पहले मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये पकड़ा और ये देखो भाई, ये खोया निकला अंदर से। ये खोया देख रहे हो, सही है। अब इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कि भाई क्या सीन है इसका। बिस्मिल्ला। मज़ेदार अंदर आ रहा है खोए का फ्लेवर, जो कि बहुत मज़ा आ रहा है। सही है, अभी गर्मी है तो अभी हम इतना ही खाते हैं और नेक्स्ट स्पॉट जाकर जाके बताते हैं कि हमने नेक्स्ट स्पॉट कौन सा करना है। जिधर रस्सी हमने पी हुई है, तारी रस्सी है, तो हम तारी रस्सी पर जाके आपको बताते हैं। अच्छा भाई, हम लोगों ने हलवा पूरियाँ ट्राई कर ली थी ज़फ़र हलवा पूरी से, और हमारा चूँकि वहाँ पर फुल ऑन हैवी हो गए थे और ये थोड़ी सी ऑयली सी थी ना, इस वजह से गर्मी इतनी है, तो हमने फिर पैक करवा ली। हमने कहा यार किसी फ़कीर वगैरह को दे देंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब कोई और सेटअप वगैरह देखते हैं। अभी यहाँ से जेता लस्सी आधे घंटे की मुसाफत पर है चल के, तो इसलिए हम जेदा तारी का तो इकट्ठे ही हैं, इसलिए मैंने कहा भाई 14 अगस्त आ रही है और हम न्यू नारकली रोड पर फिर रहे हैं। सही है, 14 अगस्त का सेटअप सुटअप ये लगा हुआ है, शॉपियाँ शॉपियाँ बिक रही हैं और हम लोग जा रहे हैं। तेरे नूर ही का कमाल है जो है कायनात में हर जगह, तेरे नूर ही का कमाल है के चमक उठे मेरी हर दुआ। अच्छा भाई, ज़फ़र हलवा पूरी से फ्री होने के बाद हम अनारकली न्यू नारकली रोड पे चल रहे थे और हमें एक सेटअप नज़र आया गंजबीन का, और हमें इस कदर शदीद प्यास लगी हुई थी और हमें जब सेटअप नज़र आया हमने कहा यार सुख चैन मिली है। सही है, अभी एक हम यहाँ से स्पंजी पीते हैं और आपको इसका टेस्ट बताते हैं कि भाई क्या है। शायद भाई हमारी जरा अगर रेडी करने लगे, ग्लास में लगाएंगे, डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल में लगा देंगे, जरा ठंडी सी करके शीशी बनानी है। ये भाई गर्मो गर्मी का आलम था और हम यहाँ पहुँचे स्कंजबीन पीने। बड़े मोटे मोटे नींबू हैं यार। ये है भाई सबसे पहले नींबू और काला नमक, ज़्यादा खट्टी ना हो, हलवा पूरी खाइए गले को ना लगे। आपको भी ले लेते हैं, आपका नाम क्या है? अब्दुल हनान भाई। यही है, ये क्या डाला आपने? चीनी। अच्छा चीनी, और ये हो रही है मिक्स। अच्छा अंकल के पास पसीने वाला भी शरबत है। अच्छा ये लेमन डालते हैं इसके अंदर भी? लेमन। ये पुदीने इसका का नाम है? मिंट मार्गरीटा। अच्छा मिंट मार्गरीटा। भाई स्कंजबीन आ चुकी है और इसको पीने लगे हैं और अब हमारी गर्मी दूर होने लगी है। लेवल और ये चेक कराओ जरा, फिल्टर का पानी यूज करते हैं। मज़ा आ गया, मज़ा। ये खोल के दिखाइएगा। और ये ठंडा ठार पानी पड़ा हुआ, ये यूज़ होता है। अच्छा भाई, गर्मी की इंतहा हो चुकी है और हमने सोचा कि इसी नींबू पानी के साथ अपने ब्लॉग का इख्तिताम करें। लाहौरी फूड चैप्टर का पहला पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो कैसी लगी है। आप हालत देख रहे होंगे मेरी, ठीक है? तो गर्मी बहुत होगी इसलिए फिर ये वीडियो एंड कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर रील कॉन्टेंट अपना डेली बेसिस पे ऐसा ही है। और मेरे साथ मेरा भाई है, कैसा रहा एक्सपीरियंस तेरा? गर्मी बढ़ी है लेकिन मज़ा आया, मज़ा आया। ये पीने के बाद यार सुकून हो गया, ये पीने के बाद, यानी ये स्कंजी पीने के बाद सुकून हो गया। बेल आइकन भी दबा दें, ठीक हो गया। यार क्या खूबसूरत लग रहे हैं यार ये नींबू पड़े हुए, बड़े जायंट किस्म के नींबू हैं। ये चेक करो सेटअप,